सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार मुझे पता है बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आएगी। और वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी यार क्योंकि कॉलेज के काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, सोच रहे से वीडियो वगैरह कुछ आ नहीं पा रही थी, शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो आज टाइम मिला तो आज निकले हैं यार, देखते हैं। अभी हम पहले तो जा रहे हैं एक चर्च, लक्ष्मी टेम्पल के बगल में एक चर्च था। अगर आप लोगों ने मेरा दिवाली व्लॉग देखा होगा तो आपको एक चर्च दिखाया था और कहा भी था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो वो चर्च कवर करेंगे। सो पहले वहीं चर्च जा रहे हैं और उसके बाद फिर देखते हैं टी नगर जाने का प्लान है। थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे जाके, कैसा मार्केट है टी नगर का, सुना तो है काफ़ी फेमस है। सो देखते हैं। सो गाइस हाईवे पे तो आ चुके हैं अभी और यहाँ से जो दिखा रहा है डिस्टेंस अपने को वो है 37.7 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। वैसे मैप पे तो 1 hour 15 minutes के अप्रॉक्स दिखा रहा था और मैप पे शायद वो सिटी जो तामरा मुगे रोड आती है ना स्ट्रेट वही दिखा रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि जो गजल रोड से अपना हाईवे निकलता है ना सीधा वो ले लूँ और फिर देखते हैं वो रोड से थोड़ा लंबा पड़ेगा ही, तो मतलब 5-10 kilometers शायद लंबा पड़ता है, बट ठीक रहता है भाई। क्योंकि हाईवे आईवे रहता है तो पता नहीं चलता है, वहाँ की सिटी में तो काफ़ी जाम रहता है यार। और भाई पता नहीं आज वेदर को क्या हो रहा है, कभी अचानक से बहुत तगड़ी धूप हो जा रही है, कभी एकदम छाँव हो जा रही है, बट मिक्स टाइप का वेदर है काफ़ी। जब छाँव हो जा रही है तो भाई अच्छा लग रहा है और जब धूप आ रहा है तो भाई पूछो ही मत, चेन्नई की गर्मी तो वैसे भी गर्मी का मौसम आ ही रहा है। चेन्नई में तो भाई सालों भर गर्मी पड़ती है, बट गर्मी के मौसम में तो भाई कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगती है यहाँ पर, इतना की तैयारी नहीं होगी। देखो फिर धूप हो गया। फिर अभी मैं घर गया हुआ था एक हफ्ते के लिए और अभी भाई मतलब एक हफ्ते मतलब 8 दिन के बाद अपनी बाइक चला रहा हूँ, भाई अलग ही फील आता है। मतलब स्कूटी चलाते जाता है घर का आदत थी और अचानक से भाई मीटिंग वाले बैठे चलाओ तो अलग ही फील आता है, देखते भाई क्या पावरफुल मशीन में बैठे हुए हैं। और भाई जल्दी हम लोग एक अच्छी राइड प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कब तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट प्लानिंग हो रखी है, बस निकलने की देरी है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अकेले ना जाऊँ तो कुछ साथ में अपने दोस्तों को ले लूँ, बट देखते हैं कैसे का प्लान रहता है। अगर नहीं हो पाता तो फिर सोलो ही चलेंगे, मैं देखते हैं साथ में भी लेके चलेंगे दोस्तों को अगर हो पाता है तो। यार गर्मी के टाइम में ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ट्रिपर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि होता क्या ना सिर्फ ट्रिपर की गलती नहीं है, फ़ोन जो मेरा है ना यहाँ पर लगा हुआ ये फ़ोन ना ओवर हीट हो जाता है और जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड ऐप्स को जो है ना वो बंद करने लगता है, तो उससे से ट्रिपर बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है यार। मेरे को देख करते हैं शाइन में आते हैं पहले छाँव में कहीं, फिर करते हैं ट्रिपर को कनेक्ट, क्योंकि मैं सो तो सोच रहा हूँ हाईवे हो के ही निकलूँ। इसमें तो दिखा रहा है स्ट्रेट निकलने के लिए, ओ भाई इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं रहा, मैप ही हैंग हो गया है। चलो कोई नहीं, करते हैं इसको आगे जाके थोड़ा छाँव में लगाते हैं फिर करते हैं इसका जगह। सामने का व्यू देखो भाई क्या प्यारा व्यू, और ये रोड ना भाई मतलब मेरा मानो तो मोस्ट फेवरेट रोड है कार हो या बाइक दोनों चलाने के लिए। देखो यहाँ पे अपना फ़ोन ने धोखा दे दिया, अभी इसको रीस्टार्ट किया देखते हैं, अभी नेटवर्क नहीं आया तो फिर तो करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। तो चलो गाइस आउटर रिंग रोड से तो निकल गए हैं, आगे टोल भी आएगा एक और अपने को 300 meters पर सर्विस लेने के लिए कह रहा है, मतलब ये पक्का भाई कह रहा है कि सिटी से ही होकर जाओ भाई तुम। तो नहीं गाइस अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सर्विस रोड ही लेना पड़ेगा, इस रोड से वो जाने ही नहीं दे रहे, अब पता नहीं क्यों, देखते हैं एक बार। सर्विस रोड में जाने के लिए वैसे तो आ गए और अभी 2.9 kilometers स्ट्रेट जाने को बोल रहा है, देखते हैं चलते हैं थोड़ा तब तक मेरा पिक्सल ठंडा हो जाए तो उसके बाद वापस अपना ट्रिपर लगा देंगे तो अपने को आसानी होती है। ऐसे क्या होता है ना ट्रिपर और मैं मैप दोनों इसलिए यूज़ करता हूँ कि मतलब देखो बहुत बार क्या होता है ना कि ट्रिपर में गलत लोकेशन दिखाता है और मैप में सही दिखाता है, और मैप में कभी गलत दिखाता है ट्रिपर में सही दिखाता है, बट मैं मोस्टली मैप पर प्रेफर करता हूँ। ठीक है
तो वो एक आइडिया लग रहता है कि मतलब इसमें इतना दिखा रहा है, इसमें इतना दिखा रहा है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है। सो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आसानी रहती है, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बार गूगल मैप जो है वो सही रास्ता दिखा रहा है, ट्रिपल गलत दिखा रहा है। ऐसे क्या होता है ना, जैसे बाइक चला रहे हो आप, तो मैप जो लगाया वो टैंक बैक पर लगाया था, तो सर नीचे करके देखना पड़ता है बार बार। और उसमें क्या है कि उसमें आपको एकदम स्ट्रेट दिखता है, आपके सामने दिख रहा है आपका ट्रिपल। सो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए। और ये देखो गाइस, अभी इतना धूप था और अभी अचानक से एकदम छाँव। और मैं कह रहा था कि ताम्रक के बाद जो मेन रोड रहता है उसी में रोड कनेक्ट होगी, देखो एग्जैक्टली उसी में कनेक्ट हुई है। और अपना जो डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से 24 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो चलो ये आगे कौन सी कार जा रही है, एक्सेंट रखना, ये कोई टेस्टिंग व्हीकल है। अब ये कौन सी कंपनी की है ये तो नहीं पता मुझे, शायद महिंद्रा की लग रही है देखने में, पता नहीं, क्योंकि ब्लैक कपड़े से कवर कर रखा है इन्होंने, तो नो आइडिया कि कौन सी व्हीकल थी। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, बाकी यहाँ पे एक शायद से महिंद्रा की नई वाली एक्सयूवी की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा चलती है मैंने देखा है, और थार 5 डोर भी देखी है हमने यहाँ पे टेस्टिंग होते हुए। प्राइस थार 5 डोर तो पक्का आने वाली है मार्केट में, क्योंकि इसकी टेस्टिंग यहाँ, क्योंकि जो महिंद्रा का रिसर्च प्लांट है ना वो हमारे कॉलेज के बहुत पास ही है, लाइक 15 किलोमीटर ही है, तो वहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ देखते रहते हैं हम, और वहाँ पर भी जाते हैं ना तो काफ़ी गाड़ियाँ दिखती हैं हमने। तो यहाँ पर चेन्नई में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना भाई मतलब डायरेक्ट मौत आ जाती है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इतनी गर्मी क्या पूछो मत, डायरेक्ट पैर पे धूप पड़ रही है। और भाई ये अपना एयरपोर्ट रोड, और ये देखो मतलब अभी स्प्रिंग टाइम है ना, तो सारे जो ये होते हैं फ्लावर्स होते हैं वो झड़ के वहाँ पे सूख रहे हैं, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे देखने में यार। और यहीं जो ऊपर आप देख रहे हो ना, यहीं है हिडन लेक इसके उस तरफ, और ये है अपना चेन्नई एयरपोर्ट। और हम यहाँ पे मूवी देखने आए थे भाई लास्ट वीक, मतलब लास्ट लास्ट वीक, और यहाँ पे जो नया मॉल खुला है एरोवा, भाई ये पहला कॉन्सेप्ट देखा है एयरपोर्ट से एकदम सटा के मॉल, ये देखो एरोवा बेस्ट। गाइस डायरेक्ट चर्च चर्च के नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी अपने को टी नगर मार्केट भी जाना है, बीच एंड और भी जाना है, तो मेरे ख्याल से ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन चलते हैं डायरेक्ट चर्च और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस चर्च तो पहुँच चुके हैं ये देखो, और यहाँ पर अपनी बाइक पार्किंग पर लगा दी है दिया, तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं, क्योंकि सुंदर तो है भाई चर्च, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और आज ईस्टर संडे है तो उस वजह से देखो भीड़ कितनी है अंदर, देखते हैं अपने जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एंट्रेंस शायद यहीं से, चलो देखते हैं। सो गाइस थोड़ी देर बैठे थे चर्च में, और उसके बाद फिर अब निकल रहे हैं यहाँ से और जा रहे हैं अभी हम टी नगर मार्केट, ओंडी बाजार करके एक जगह है, सो वहीं पर जा रहे हैं, देखते हैं क्या है, जाके एक्सप्लोर करते हैं, बहुत नाम सुना है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, और इसका बाद कोई मोटो व्लॉग नहीं करूँगा, ठीक है, नॉर्मल ही चलते हैं, और जैसे वहाँ पहुँचेंगे यहाँ पे पौंडी बाज़ार उसका दिखाता हूँ आपको। देखो यही है पौंडी बाज़ार, मतलब एक स्ट्रीट है, ठीक है, और उसमें दोनों साइड शॉप्स है बहुत सारी, मतलब ब्रांडेड भी हैं, नॉन ब्रांडेड भी हैं, जो लोकल शॉप्स हैं वो भी मोस्टली ब्रांडेड शॉप्स हैं, ठीक है। सो यही है पौंडी बाज़ार, ऐसा कुछ खास लगा नहीं मेरे को, ऐसे बाज़ार वाला फील आ नहीं रहा यहाँ पर, बट ठीक है जो भी है यही है। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ पौंडी बाज़ार से, ये एक्चुअली एक बहुत नॉर्मल सी मार्केट है, ठीक है, और ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे कुल्फी वगैरह मिल रही है, चलो देखते हैं। बहुत सिंपल सी मार्केट थी ये, मतलब एक देखो ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक स्ट्रीट दिख रही है कुछ स्ट्रीट में, ये बस एक स्ट्रीट है और दोनों तरफ यहाँ पर शॉप्स हैं, और मोस्टली तो मेरे को यहाँ पर देखो ब्रांडेड शॉप्स ही दिख रहे हैं, ठीक है, क्लोथिंग वगैरह का बढ़िया मार्केट है, और यहाँ पर गार्लेंट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो वही एक नॉर्मल स्ट्रीट है और उसके अगल बगल बहुत सारी मार्केट्स हैं, मार्केट बोल रहे हैं शॉप्स हैं, तो बस वही है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बीबी का शॉप है, प्रेस्टीज है, स्केचर्स एंड ऑल,
मतलब ये मैंने बोला ना मैक्सिमम आपको ब्रांडेड शॉप से मिलेंगे, ठीक है। सो वही है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। वैसे कुछ खास था नहीं, हाँ कह रहा कि लोकल मार्केट वगैरह होगी कोई बढ़िया सी तो बढ़िया है, बट वैसे तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अब निकलते हैं यहाँ से और अब कैंपस ही जा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा धूप है तो बीच अभी जा नहीं सकते हैं। तो चलो चलते हैं अब कैंपस वापस। कैंपस का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है 35.8 किलोमीटर्स। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना जल्दी कवर कर सकते हैं हम लोग। बाकी भूख भी लगी है बट देखते हैं, कुछ खाने को बढ़िया मिलेगा तो खा लेंगे वरना कोई नहीं। ये क्या है भाई? भाई साहब यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ बोस का सर्विस सेंटर था और भी पीछे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें थी। बाकी यार एरिया सुंदर है जो बोलो, तो अभी पतझड़ का मौसम है तो आप देख रहे हो तो पतझड़ तो गिरे हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो गाइस मेन रोड पे तो आ चुके हैं हम लोग और ये देखो भाई ऑडी का शोरूम। चलो यहाँ से ताम्बरम दिखा रहा है 18 किलोमीटर और उसके बाद भी शायद 18 किलोमीटर बचता है अपने यहाँ। चीज़ तो आज देख ली, बहुत जगह चेकेंगे भाई, बहुत जगह मतलब हर सौ कदम पे चेकेंगे। बाकी जो बोलो यार, जहाँ जहाँ पेड़ लगा के रखे हैं ना वहाँ पे तो भाई काफ़ी सुंदर लगता है। देख रहे हो आप क्या बढ़िया व्यू आ रहा है सामने, और सामने में चल रही है एग्जॉस्टर, बढ़िया गाड़ी है यार। ये रोड से हम पहले भी आए हैं, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि बगल में ही पड़ता है अपना फिनिक्स मॉल। तो ये वाला रोड से हम आए हैं पहले भी। चलो यहाँ पे एक गन्ने की शॉप दिख गई थी, तो यहाँ गन्ना पीने के रुके थे भाई, अच्छा बनाया था। बट हमारे तो जैसे नमक वमक डालते ना नींबू और वो पुदीना वो सब यहाँ पे नहीं डालते, यहाँ पे बस रस निकाल के देते हैं प्लेन। तो ठीक है, बढ़िया था, ठंडा ठंडा अच्छा लगा, पूरा रिफ्रेश हो गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पौंडी बाज़ार दिखाई दिया भाई आपको, क्या था छोटा सा मार्केट ही है वो, हार्डली 200 मीटर की रोड है और दोनों तरफ उसके शॉप्स हैं, ठीक है, और वो भी ब्रांड वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई लोकल शॉप वगैरह ऐसा कुछ है। सो चलो भाई, और चर्च भाई काफ़ी बढ़िया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चर्च आप लोग भी जाओ, ठीक है, चर्च काफ़ी बढ़िया था। चलो अब जा रहे हैं कैंपस वापस और मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।